हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ऐश्वर्या राय का ये ड्राइंग जो कि हम चारकोल पेंसिल से बनाने वाले हैं। पिछले दिन इसका वीडियो मैंने डाला था, पोर्ट्रेट ड्राइंग का, वो भी विद लुमीस मेथड। आप कितनी आसानी से इसको कर सकते हो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैंने शेयर कर दिया है, तो उसको देख के आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इस पिक्चर के लिंक भी मैं इसके नीचे शेयर कर दूंगी। और जो पेंसिल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ वो है आपका कैमल का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही बहुत अच्छा होता है, हार्ड और जो नेचुरल होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है अकॉर्डिंग टू मी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो चारकोल डस्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप बिगिनर हो तो चारकोल डस्ट को आप अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है, वो बहुत मीसी बन जाते हैं अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो उसके ज़रिए आपको पहले पहले जो स्टेप आप करोगे वहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अब आप पेंसिल जब शार्प कर रहे हो तो पेंसिल का जो डस्ट है उसको यूज़ कर सकते हो। मैं वही को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और हेयर पे मैं थोड़ी सी चारकोल डस्ट यूज़ किया है, पर आप पेंसिल का जो डस्ट होता है उसको अगर बिगिनर हो तो वैसे यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और जहाँ पे ब्रशेस की ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ी सी ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। पेपर आपका आइवरी शीट से है, 200 आप GSM है। इसका लिंक में मैं सारे दे दूँगी कौन सी मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ। सारे लिंक मेरी वीडियो की नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये है टॉम्बोमैन इरेजर जो कि बहुत ही यूज़फुल है, छोटी छोटी काम करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है चारकोल पेंसिल में और कोई भी पेंसिल आप ड्रॉ करो तो उसमें। और वाइट जेल पेन तो आपको पता ही है, उसका लिंक मैं हमेशा डालती हूँ तो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी जो यहाँ पे देख सकते हो बहुत जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क आपको करना है वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मेकअप की जो ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ड्राइंग का जो ब्रश होता है वो अच्छा नहीं काम करता है, तो इसके लिए आप मेकअप की ब्रश यूज़ कर सकते हो। कोई भी लो कॉस्ट का जो मेकअप ब्रश होता है उसको आप परचेज कर लो, आपका स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, तो वो बहुत यूज़फुल होता है आपका इस टाइप का ड्राइंग के लिए। तो मैं वही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ये टॉम्बोमैन इरेजर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, इसकी दो लीड के साथ मिलता है, 600 समथिंग इस टाइप का इसका प्राइस रहता है, पर बहुत यूज़फुल है। आप देख सकते हो अगर आप बहुत डिटेलिंग करना चाहते हो तो वो इरेजर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तभी देखो मैं कैसे आईब्रो कर रही हूँ, उसका मार्क बना के छोटी छोटी फाइन लाइन क्रिएट करके सिर्फ उसके बाद आपको ब्रशेस यूज़ करना है तो बहुत अच्छे से आईब्रो क्रिएट हो जाता है। अभी ये जो डस्ट है ये मैं चारकोल डस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप घर के बनाए चारकोल डस्ट यूज़ कर सकते हो। पेंसिल को जब शार्प बनाते हैं उसको आप सैंड पेपर के ऊपर रगड़ सकते हो तो आपको ऐसे डस्ट मिल जाता है, तो अगर आप बिगिनर्स हो आपके लिए बहुत ईजी होता है, पिक्चर आपका मेसी नहीं बनता। फाइनल जो हेयर का लुक है वो देख के आपको बहुत पसंद आएगा, एकदम रियलिस्टिक की तरह लगेगा, पर उसका जो स्टेज है स्टेप वाइज स्टेप आपको कैसे जाना है इसके लिए पहले तो मैंने देखा। हेयर का जो प्लेस है आप देख सकते हो पूरी तरीके से मैंने ब्लैक बना दिया है, पर उसने भी ज़्यादा नहीं, बस कवर कर दिया है डस्ट से। उसके बाद हेयर का जो फाइन लाइन है आपको इस टाइप से क्रिएट करना है हेयर के ऊपर, और जहाँ पे आपका डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ पे मैं पेंसिल से ही उसको डार्क बना रही हूँ। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कैसे रियलिस्टिक हेयर आप ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक वाइट पेपर मैंने रखा हुआ है फेस के ऊपर, ये ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी हाथ अगर इसके ऊपर रब हुआ तो ड्राइंग आपका बिल्कुल भी ख़राब हो सकती है और आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि चारकोल जो ड्राइंग होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, अगर थोड़ी सी आप लापरवाही करते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पूरा ड्राइंग आपका ख़राब हो जाती है। तो देखो बेसिकली मैं जहाँ पे डार्कनेस डार्क वैल्यू मैं ऐड किया वहाँ पे ब्रश से थोड़ी सी और ज़्यादा ब्लेंड कर दिया। अभी टॉम्बोमैन इरेजर का काम है, इससे मैं छोटी छोटी करके हाईलाइट वाली जो हेयर है उसको डालूँगी, आप देख सकते हो। और इस जो इरेजर है इसका टिप को थोड़ी सी कट कर लेना ब्लेड से या तो फिर कोई आर्ट का जो नाइफ होता है उसके से उसके ज़रिए आप इसको कट कर सकते हो, उसका जो एकदम टॉप होता है। तो इसमें क्या होता है, ये हेयर अच्छे से आपको हेयर का जो फाइन लाइन है अच्छे से करने का आपको मिलता है, आप देख सकते हो कितना अच्छा रियलिस्टिक लुक दे रहा है हेयर का।
जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा मैं इरेज कर दिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और कोई इरेजर इतना अच्छा नहीं काम करता। और अगर इलेक्ट्रिक इरेजर की बात करो वो कुछ कुछ जगह पे काम करती है, पर हेयर के लिए ये टॉम्बो मोने इरेजर ही ज़्यादा परफेक्ट है। अभी बारी है इसका ज्वेलरी, क्योंकि ऊपर से कंप्लीट करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद उसके ऊपर अगर आप ऐसे काम करोगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अभी ज्वेलरी को देखो मैंने सारी जगह पे डाल दिया। अभी इस टाइप से आप हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो ताकि वो शाइन लगे टॉम्बो मोने इरेजर से, और थोड़ी सी इलेक्ट्रिक इरेजर कहीं कहीं पे चला दिया तो हाईलाइट वाली जो एरिया है वो क्रिएट हो गया। थोड़ी सी जेल पेन लगा दिया तो ये आप देख सकते हो बहुत ये रियलिस्टिक आपका ज्वेलरी बनके तैयार है। अभी मैं ये जो ज्वेलरी है इसको बनाऊंगी। इसको बनाना भी आपको देखना पड़ेगा कि स्टेप कैसे मैं यहाँ पे अपना रही हूँ। पहले तो सारी एरिया पे मैंने इस टाइप से थोड़ी सी डस्ट यूज़ कर लिया ताकि जब हाईलाइट यहाँ पे मैं ऐड करूँ तो बहुत ही अच्छा दिखे। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। उसके बाद जो ज्वेलरी है उसका डिज़ाइन मैंने थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना स्टार्ट कर दिया। मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा आपका ड्राइंग। अदरवाइज आप आपकी तरह से भी कर सकते हो, पर ऐसे करने में आपको इजी हो जाता है। आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी करके मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है। उसके बाद डिज़ाइन को सिक्योर करते हुए पेंसिल से सारी जगह को मैं ब्लैक बना रही हूँ। इस साइड से भी सेम आपको करना है। रेफरेंस में अपर साइड हेड का थोड़ी सी कट हुआ था तो उसका जो हेयर है वो मैं अपनी आपकी तरीके से ही बना दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अभी ज्वेलरी को मैं सिक्योर कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से इसके ऊपर हाईलाइट डालूँगी तो देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ये पेपर स्टम्प भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। सारे मटेरियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा कर रखी है। जल्दी जाओ उसको देखो और परचेस करो और बहुत खूबसूरत एक ड्राइंग बना के तैयार करो। और उनको टैग भी कर सकते हो आप यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर मैं इसको स्टोरी पे प्रोमो कर दूँगी। अभी देख सकते हो टॉम्बो मोने इरेजर से मैं थोड़ी सी यहाँ पे इरेज कर रही हूँ तो कितना अच्छा ज्वेलरी शाइन कर रहा है। जैसा आपका रेफरेंस दिखा रहा है मैं वैसे करने की ही कोशिश कर रही हूँ। रेफरेंस में अच्छे से ज्वेलरी की डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा था तो मैं इस टाइप से ही उसको ऐड कर दिया। अभी जो इयररिंग है उसका डिज़ाइन भी मैं अपनी तरफ से ही थोड़ी सी सेम है पर थोड़ी सी अपनी तरफ से ही ऐड कर रही हूँ। ज्वेलरी का सेम ही स्टेप है इसलिए वो थोड़ी सी अब देख सकते हो। अभी फेस का जो है वो मैं कर रही हूँ। देखो बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है ये ब्रश, इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है, सारे मेकअप ब्रश हैं। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप चारकोल पेंसिल से काम करो तो आपके हाथों में कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगा होनी चाहिए। उसको आप साबुन से या तो फिर हैंड वॉश से अपने हाथों को वॉश करके फेरी बैठे, क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ी सी आपका मॉइस्चराइजर या फिर ऑयल वगैरह लग गया था इसलिए काफ़ी जगह पे आपको स्टेन देखने को मिल रहा है, वो ऑयल का ही नतीजा है। तो मैं आपको ये अलर्ट कर दूँ कि हाथ हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए। लिप्स जो है यहाँ पे जिस टाइप का दिख रहा है मैं वैसे बनाने की कोशिश ही किया और थोड़ी सी टॉम्बो मोने इरेजर से काम किया तो उसका जो लिप का शाइन वगैरह हाईलाइट था वो अच्छे से क्रिएट हो गया। अभी जो बैकग्राउंड है वहाँ पे मैं कर्टन यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे ब्रश अगर यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता था, इसलिए मैंने वहाँ पे कर्टन से थोड़ी थोड़ी आपका चारकोल डस्ट लेकर बैकग्राउंड में कर दिया। आपको मैं यहाँ पे देखो बैकग्राउंड करने के बाद यहाँ पे टॉम्बो मोने इरेजर से मैं थोड़ी सी हेयर का जो फाइन लाइन है क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा लुक देता है, आपका रियलिस्टिक लुक देता है। जैसे कि आपका हेयर रहता है तो हेयर की ऊपर से ऐसे बिखरी बिखरी हेयर आपको दिखने को मिलता है तो वही मैं यहाँ पे डाला। नीचे की पार्ट्स में थोड़ी सी आपको यहाँ पे ऐड करना है और कभी भी एक्सेसिव डस्ट आप मत ले लेना, थोड़ी थोड़ी डस्ट लेकर ही आपको ऐसे करना है। अभी ये वाली ज्वेलरी की बारी है। पहले तो ज्वेलरी को आप अच्छे से डिज़ाइन करो, उसके बाद थोड़ी सी ब्रश चला लो, उसके बाद जहाँ पे आपको हाईलाइट नज़र आ रही है इरेज कर लो तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। इस साइड में यहाँ पे हेयर है और यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी भी आपको ऐड करना है। ये आपका दूसरी साइड का ज्वेलरी है।
ज्वेलरी का डिज़ाइन जितना अच्छा दिख रहा था समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी अपने हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे चेंज भी कर दिया है, थोड़ी थोड़ी आप भी कर सकते हो। आप अपनी मन पसंद का जो ज्वेलरी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज जितना आपको रेफरेंस में समझ आ रही है उतना भी आप कर सकते हो। ये देखो थोड़ी थोड़ी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जितना पॉसिबल हो इस टाइप से आपको करना है। और जो स्पेस है वहाँ पे मैंने पूरी तरीके से डार्क बना दिया है, क्योंकि ज्वेलरी के पीछे की एरिया वहाँ पे डार्क ही रहता है, तो ज्वेलरी बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी पेपर स्टैम्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, तो और ज़्यादा निखर के आ रहा है आपका ज्वेलरी, आप देख सकते हो। ज्वेलरी पे हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा काम है। यहाँ पे थोड़ी सी नीचे की पोर्शन काउंट नहीं हुआ, पर पेपर स्टैम्प से मैं ऊपर की पोर्शन आप देख सकते हो, जो यहाँ पे मोतिया है उसको मैं पेपर स्टैम्प से बनाया, थोड़ी सी शेडिंग मैं भी डाल रही हूँ। अभी इलेक्ट्रिक इरेजर से मैं कुछ कुछ जगह पे इरेज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो ज्वेलरी का मुझे शाइन वाली जो एरिया है वो आपको देखने को मिल रहा है, कि ऐसे इरेजर से कर सकते हो। आपको अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर नहीं है तो आप टोम्बोमोनो भी यूज़ कर सकते हो, सारे लिंक नीचे दे रखी है, बहुत सारे मटेरियल का लिंक यहाँ पे है, तो आप जाके उसको कलेक्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से भी बना सकते हो। अब देख सकते हो कितना अच्छा ज्वेलरी धीरे धीरे लग रहा है। ऐसे ही छोटी छोटी आपको कामों पे बहुत ही ध्यान देना है, ताकि उसको स्किप करके ना जाओ। और अगर मेरा कोई भी वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं स्किप बहुत कम करता हूँ और आपको पूरी जो टेक्निक है स्टेप वाइज आपको दिखाता हूँ और डिटेल में बताता भी हूँ, तो बिगिनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है, वो समझता है बहुत अच्छे से और बनाता भी है। मुझे काफ़ी सारे आर्टिस्ट भेजता है कि मेरे कौन सी ड्राइंग देख के उन्होंने बनाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी करता है। तो आप अगर मेरे सारे वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब करती हूँ, मटेरियल्स वगैरह भी दे देती हूँ, और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है हो सकती है ये भी डिटेल्स में आपको बताती हूँ, तो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी सी यहाँ पे ड्रेसेस दिख रहा था तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी आपका जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ये जो हेयर हम बनाएंगे इसका प्रोसीजर देखना। अभी मैं डस्ट डाल रही हूँ यहाँ पे, हल्की सी आपको हाईलाइट क्रिएट करना है तो वो भी इजी है, पर इस साइड पे आपका साड़ी नज़र आ रही है उसके ऊपर बहुत डिज़ाइन भी है, तो ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे, तो आप भी बहुत अच्छे से देखने को सीखोगे उसको, और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। इस जगह पे ज़्यादा आपका हेयर का स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, पर फिर भी मैंने थोड़ी सी डस्ट यूज़ किया और फिर पेंसिल की मदद से उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया। इस जगह पे मैं डार्क इसीलिए डाल रही हूँ, आपको बाद में देखने को मिलेगा कि डिज़ाइन बनाने में बहुत, अगर आप ऐसे बनाते हो तो साड़ी का डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है। आप रेफरेंस में देख सकते हो किस तरह का डिज़ाइन है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा वो अपने हिसाब से ही बना देना, तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। हेयर का छोटी मोटी यहाँ पे हेयर भी आपको डालना है। अभी देखो बस थोड़ी ही बहुत यहाँ पे हाईलाइट हेयर आपको दिखने को मिल रहा है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल वाला लुक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी। अभी यहाँ पे साड़ी का जो डिज़ाइन है मैं टोम्बोमोनो इरेजर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जितना हद तक समझ में आ रहा है उतना हद तक मैं रेफरेंस की तरह ही डिज़ाइन बनाने की कोशिश किया है, और बाकी अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन लगा दिया है। अभी तो डिज़ाइन बन रही है, उसके बाद आप देखना पूरी साड़ी की तरह जैसे चकमगाती है। इस पोर्शन में ज़्यादा हाईलाइट है तो डिज़ाइन अच्छे से दिख रहा है, और ऊपर साइड में भी थोड़ी सी साड़ी है वहाँ पे लाइट्स कम है, तो वहाँ पे बहुत ही हल्के से आपको टोम्बोमोनो की यूज़ करना है विथ लाइट प्रेशर। यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ, वहाँ पे आपको कम प्रेशर देना है। ये इरेजर बहुत यूज़फुल है, चाहो तो अभी आप इसको परचेस कर सकते हो। विथ लीड इसका प्राइस थोड़ी ज़्यादा पड़ता है, विदाउट लीड कम पड़ता है, पर लीड तो आपको लेना ही है। अभी देखो यहाँ पे कम प्रेशर से मैंने किया तो इसका डिज़ाइन भी बन के तैयार है। तो हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा टेक्निक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, शेयर। आपका एक लाइक मुझे बहुत इंस्पायर करता है ड्राइंग बनाने में। अगर आपको और भी चारकोल पेंसिल का ड्राइंग चाहिए तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और जितने सारे आप लोग सपोर्ट करते हो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड डू एंजॉय माई एवरी ड्राइंग।
थैंक यू सो मच, बाय, मिलते अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।